गाइस, आज मैं न्यू ईयर के लिए एक कार्ड बनाऊंगी। पता है वो बहुत इजी भी होगा और वो पॉपअप कार्ड भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दो ए4 साइज पेपर लिए हैं, एक ब्लू कलर का और एक वाइट कलर का, क्योंकि मेरे पास और कोई कलर नहीं था तो इसलिए मैंने दो पेपर्स लिए हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आपको कोई भी कलर का ए4 साइज पेपर जो आपने लिया है, आपको वो हाफ्स में फोल्ड करना है अच्छे से। सो फ्रेंड्स, अब आपको बीच में एक स्क्वायर बनाना है। ये 9x9 सेंटीमीटर का है, आपको बीच में बनाना है। देखिए, मैंने भी एक स्क्वायर ड्रॉ। फ्रेंड्स, अब इसको हम लोगों को कट करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को स्क्वायर को कट करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब स्क्वायर कट कर लिया है। आपको वाइट पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे, फिर एक बार ऐसे और एक बार अपोजिट साइड में फोल्ड करना है। अब मैं एक बार और बता देती हूँ, ऐसे, फिर एक बार वैसे ही और एक बार अपोजिट साइड। आपको फ्लैट वाला साइड में 2 सेंटीमीटर्स का बॉर्डर बनाना है, लेफ्ट राइट दोनों, और नीचे साइड में आपको 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाना है। अब हम लोगों को इसे कट कर देना है। अब आपको इस चीज़ को कट कर देना है। मैंने ये कट कर लिया है इस तरीके से, देखिए कट किया हुआ है। अब हमें इसको, वाइट पेपर को, हम लोगों को ऐसे यहाँ पे चिपकाना है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दे रही हूँ, आपको इस ब्लू वाले पे इसको ऐसे, वाइट पेपर को ऐसे चिपकाना है फोल्ड करके फिर। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ग्लू लगाते हैं। मैंने गम भी लगा दिया है, तो अब हम लोग इसको चिपका देते हैं अच्छे से। अब हमें यहाँ ऊपर में दोनों साइड पे ग्लू लगाना है। फ्रेंड्स, अब मैंने ग्लू लगा दिया है, अब इसको ऐसे फोल्ड करके चिपका देना है। अब हम लोगों को 8x8.7 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काट लेना है इस पेपर का। सो फ्रेंड्स, देखिए अब मैंने ये स्क्वायर काट लिया है। अब हमें इस स्क्वायर को यहाँ चिपकाना होगा, तो अब हम लोग गम लगाते हैं। इसमें पूरे में ही गम लगा लेना है। अब मैंने पूरा ग्लू लगा दिया है, अब इसको अच्छे से चिपका देना है एकदम अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिपका लिया है और अब ये सूख भी गया है, तो देखिए अब ये खोलने पर कैसे पॉपअप होता है। वाओ, कितना अच्छा है। एक बार फिर से, 1 2 3, वाओ कितना अच्छा बना है। सो गाइस, देखिए अब मैं न्यू ईयर कार्ड पे चिपकाने के लिए एक न्यू ईयर का केक बना रही हूँ। सो अभी मैं इसको कलर करूँगी। मैं इसको, इसका क्रीम को स्काई ब्लू कलर से कलर कर रही हूँ, अच्छा लगेगा क्योंकि। देखिए फ्रेंड्स, मैंने केक ड्रॉ कर लिया है, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये सब स्टिकर्स बनाए हैं न्यू ईयर कार्ड पे चिपकाने के लिए, और ये कार्ड स्पेशली बच्चों के लिए है। सो जैसे बच्चों को बारबी डॉल बहुत पसंद होता है और मुझे भी बहुत पसंद है। सो चलिए अब इसको चिपकाते हैं कार्ड पे। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने ग्लू लगा लिया है पीछे में, अब मैं इसको यहाँ पे चिपकाऊंगी। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, देखिए अब बलून को हम लोगों को यहाँ चिपकाना है, बहुत अच्छा लग रहा है कॉर्नर में चिपकाना। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को अपनी बारबी को अंदर थोड़ा एंड पे चिपका देना है ताकि वो पॉपअप हो सके। सो फ्रेंड्स, ये एक और बारबी है, सो हम लोग कार्ड के अंदर इसको भी चिपका देंगे।
ऐसे चिपका देंगे और थोड़ा वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड रॉकस्टार वाला फॉर किड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंजॉय पार्टी लिखा हुआ है, इंजॉय पार्टी, हैप्पी न्यू ईयर 2023। यहाँ पे एक केक है, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रॉ किया हुआ है लेकिन ये चिपकाया हुआ है। फिर यहाँ पे है एक रॉकस्टार बलून। यहाँ क्या है आपको पता है क्या है? चलिए तो खोल के देखते हैं। वाह, देखिए बार्बीज एक दूसरे को कह रही हैं हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी फ्रेंड्स, अच्छे से दिखा रही हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय न्यू ईयर। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा न्यू ईयर कार्ड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स देखिए ये कैसे खड़ा भी हो जाता है, बहुत फीचर्स वाला कार्ड है, पॉपअप कार्ड भी, और ये खड़ा भी हो जाता है, बहुत सुंदर कार्ड है। ओके बाय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर।